Assalamu alaikum, 6th class, how are you? I hope you will be fine today. Today, June 29, 2020, day is Monday. As you know, your class 6, your subject English, and this is your unit number 2. This unit name is Earthquakes. Earthquake. Do you know what is mean of earthquake? Earthquake ka matlab kya hai? Earthquake means zalzala. ठीक है? आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें इस वर्ड को सुनते ही आइडिया हो रहा होगा कि पाकिस्तान में 2008 में जलजला आया था. ठीक है, तो किस कदर उससे तबाही और बर्बादी हुई थी. और ये जलजले जब से दुनिया बनी है तब से ही आ रहे हैं. और जलजला क्या होता है और उससे किस तरह से नुकसान होता है दुनिया में, ये तमाम तरह जो चीज़ें हैं ये अल्लाह ताला के हुक्म से होती हैं. अब हम डिफरेंट व्यूज जानते हैं कि जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने, यानी कि जो ओल्ड टाइम एंशिएंट टाइम के लोग थे उनका क्या बिलीफ था कि अर्थक्वेक क्या होते हैं और साइंस क्या कहती है इसके बारे में. नाउ यू ओपन योर बुक पेज नंबर 16. हियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टाइटल एंड दिस यूनिट. लुक एट हियर, जायंट स्नेक्स, टर्टल्स एंड स्पाइडर्स लिव अंडरग्राउंड. कहता है कि जिन्नात, सांप और टर्टल्स और स्पाइडर्स, मक्खियाँ वगैरह जो हैं वो ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में रहती हैं. इज इट देयर, ये है उनकी मूवमेंट हरकत दैट क्रिएट, जो पैदा करती है अर्थक्वेक्स जलजले. अब ये कुछ लोगों का जो एंशियंट टाइम के लोग थे उनका बिलीव था कि जो जायंट्स हैं, जिन्नात हैं, नए फसाम वगैरह इस तरह की दूसरी ज़मीन के अंदर रहने वाली चीज़ें जब ज़मीन के नीचे हरकत करती हैं तो इस वजह से जलजले आते हैं. मे बी, हो सकता है यू वुड नॉट बिलीव, कि आप यकीन ना करें दिस इस पर, बट सम एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स मीन अबाउ दार ऑफ द स्टोन एज, यानी कि गारों में रहने वाले, पत्थर के दौर में यानी पत्थरों में घर बनाकर रहने वाले जी, उनका बिलीफ ऐसा ही था. यानी इस बात पर उनका यकीन था कि जलजले जो हैं वो इन चीज़ों के ज़मीन के नीचे मूव करने की वजह से आते हैं. टुडे, लेकिन आज वी नो, हम जानते हैं दैट अर्थक्वेक्स के जलजले ऑकर वाक़या होते हैं व्हेन, जब द लार्ज प्लेट, बड़ी प्लेटें अंडर द अर्थ, ज़मीन के नीचे वाले हिस्से में अर्थ सरफेस कोलाइड विद, टकराती हैं विद ईच अदर एक दूसरे से, कॉजिंग वजह बन रही है मूवमेंट ऑन द अर्थ, ज़मीन के ऊपर हरकत की वजह बन जाती हैं. साइंसदानों का ये कहना है कि ये जो जलजला है ये ज़मीन के अंदर कुछ ऐसी ज़मीन की प्लेट्स हैं जब वो हिलती हैं और या एक दूसरे से रिवर्स करते हुए टकराती हैं तो उसकी नतीजे में ज़मीन के ऊपर वाली सतह पर जलजला आ जाता है. तो ये तो था एंशियंट टाइम के कदीम दौर के लोगों का बिलीव और साइंसदानों के ज़रिए की गई बात जो उन्होंने बताया कि जलजले किस तरह से आते हैं. बट माई डेड क्लास, हमारा ये बिलीव है कि ये तमाम सर जो चीज़ें वाकया होती हैं ये अल्लाह ताला के हुक्म से होती हैं. लेट्स सी योर रीडिंग फ्रॉम योर पेज नंबर 17. हियर इज, दिस इज व्हाट हैपेंड टू सरन जान इन एन अर्थक्वेक इन काबुल. एक करैक्टर है इस स्टोरी के अंदर जिसका नेम है सारन जान, जो काबुल के रहने वाला है. उसके साथ क्या वाकया होता है और वो किस तरह से इस अर्थक्वेक की स्टोरी को बयान करता है ये आज हम अपनी इस रीडिंग में रीड करेंगे.
आई स्टिल रिमेंबर, कहता मैं अभी तक याद करता हूँ दैट इवेंटफुल डे, उस हादसाती दिन को। कौन सा दिन था? मार्च 26, 2002। कहते 26 मार्च 2002 का वो दिन हैड डॉन ब्राइट एंड सनी, नेवर गिविंग। कहते जैसे ही उस दिन का सूरज तलू हुआ, हमें डांस ग्रुप हुआ तो हमें नहीं बता रहा था, एन इंडिकेशन उसने कोई ऐसा इशारा भी नहीं दिया, दैट विद इन 24 आवर्स। कहते कि जो 24 घंटों में उसने हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई, हैवॉक विद फ्लड, कि ऐसा कोई तबाही वाला तूफान आने वाला है, सैलाब आने वाला है आवर लाइफ, हमारी जिंदगियों में। एंड इनडीड, बिला शुबा, रिमेन वो रहा अपार्ट, उसका एक हिस्सा, ऑफ आ ऑफ इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहते हैं कि उस हादसे का वो जो एक खौफनाक किस्म का सैलाब आया हमारी जिंदगियों में, बिला शुबा वो बहुत अरसे तक हमारी जिंदगियों का हिस्सा बना रहा। आई वॉज वॉकिंग थ्रू माई होम सिटी ऑफ काबुल इन नॉर्दर्न अफगानिस्तान। कहता कि मैं चला जा रहा था अपने आबाई शहर काबुल की नॉर्दर्न साइड पर, यानी कि शुमाली अफगानिस्तान में, ऑन मंडे। तो ये दिन कौन सा है? मंडे, मंडे नाइट। तो सोमवार की रात को ऑन द वे, कहता ऑन माय वे, मेरे रास्ते में ही। अब ये मंडे का दिन है जिस दिन सरन जान जो है वो अपने आबाई शहर काबुल के नॉर्दर्न शमाली साइड पर चला जा रहा था, और मंडे नाइट को जब वो चलते हुए जा रहा है तो उसके रास्ते में ही वे टू आंट नज़ाकत साउथ, उसकी आंटी नज़ाकत का घर था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, कहता मैं बहुत पुरजोश था, खुश था, एज माई कज़न्स और मेरे कज़न्स भी, एंड आई हैड प्लान, और मैंने उनके साथ मिलकर मनसूबा बनाया, टू स्लिप ओवर फॉलोड बाय अ हाइकिंग ट्रिप एट द क्रैक ऑफ डॉन। कहता कि हमने उन वहाँ पर हाइकिंग करने का प्लान बनाया अपने कज़न्स के साथ मिलकर, कि हम एक ट्रिप अरेंज करते हैं और हम जो है वो स्लीपी एरियाज में जाकर हाइकिंग करेंगे। माई आंट लिव्ड जस्ट अ ब्लॉक अवे, कहता कि हमारी मेरी आंटी जो है वो हमसे एक ब्लॉक के फासले पर थी फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से। मेयरली सिर्फ 10 मिनट, और सिर्फ फासला कितना था? 10 मिनट्स का फासला था, 10 मिनट्स वॉक पैदल चलने से, यानी कि 10 मिनट में वहाँ तक पहुँच जाती अपनी आंटी के घर। हाउ वॉज आई टू नो दैट आई वुड नॉट गेट देयर, मैं ये कैसे जान सकता था कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा, यानी कि मैं किस तरह वहाँ तक पहुँच जाऊँ। आई हैड बेयरली वॉक्ड अ फ्यू डजन फीट, कहता मैं चंद कदम ही नंगे पाँव चला। व्हेन आई फेल्ट, जब मैंने महसूस किया द ग्राउंड शेक अंडर मी, के जो ज़मीन मेरे पाँव के नीचे है वो हिल रही है। फॉर अ माइन्यूट, कहता चंद सेकंड के लिए, मुख्तसिर से अर्से के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज हैविंग अ डेजी स्पिल, डेजी चक्कर आना। कहता मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे कोई चक्कर आ रही है। फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए, आई थॉट आई वॉज हैविंग डेजी स्पेल ड्यू टू डिहाइड्रेशन, डेजी चक्कर आना, घबरा जाना, डिहाइड्रेशन लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी हो जाना, प्यास लग जाना। कहता मैंने एक मिनट के लिए रुका और सोचा कि आई वॉज हैविंग अ डेजी, जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे प्यास लग रही है। फॉर द वेदर वॉज वेरी हॉट एंड ड्राई, कहते कि जो मौसम था वो बहुत ही, कहते कि मौसम जो था वो बहुत गर्म और खुश्क था।
आई रीच्ड फॉर माय वाटर बॉटल, कहते मैंने अपनी पानी की बॉटल तक पहुंचा। हाउएवर ताहम व्हेन द ग्राउंड कंटिन्यूड टू मूव, कहते जमीन जो थी वो मुसलसल मूव करी थी, हरकत कर रही थी। आ थॉट केम, कहते मेरे जहन में एक सोच आई, एक ख्याल आया। डैशिंग इन टू माई माइंड, मेरे खाली जहन में, डैशिंग खाली जहन में मेरे एक ख्याल आया। मेकिंग माई हेड थ्रॉब एंड क्यूवर विथ फियर, और मेरा जो सर है वो खौफ की वजह से कांप रहा था, हिल रहा था। आई हैड नो कंट्रोल, मेरा कोई काबू नहीं था, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ओवर माई लिम्स, अज़ा जो हैं माई आर्म्स, अपने बाजुओं पर, एंड लेग्स और टांगें, सीम्ड मुझे ऐसी दिखाई दे रही थी टू बी मूविंग, के वो हरकत कर रही हैं। अंडर सम फूम के नीचे, सम मिस्टीरियस पावर, जादुई ताकतें ऑफ देयर ओन खुद बखुद, यानी कि वो कहते हैं कि मैं अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे अज़ा जो हैं, मेरे बाजू, मेरी टांगें, यानी उनको कोई जादुई ताकत जो है खुद बखुद हरकत में ला रही है। सडनली, अचानक, आई रियलाइज इट, मैंने रियलाइज कर लिया, मैं जान गया, समझ गया इस बात को, इट्स एन अर्थक्वेक, कि ये एक जलजला है। ओके, आवर नेक्स्ट पैराग्राफ, आई डू नॉट नो हाउ आई रिट्रेस्ड माई स्टेप्स, कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा था, मैं ये नहीं जान पाया कि मैं सफ़र से वापस किस तरह आ रहा हूँ, यानी मेरे स्टेप्स जो हैं वो वापस मुड़ रहे हैं। इट सीम्ड लाइक द लॉन्गेस्ट ट्रिप, कहता मुझे ऐसे लगा जब से कि मैं जिस सफ़र पर था कि जैसे ये बहुत बड़ा लंबा सफ़र, मैंने लंबा ट्रिप जो है वो किया है। आई हैड ओवर एवर मेड, जो मैंने हमेशा से जिसका जो था वो प्लान किया हुआ था। द नाइट वॉल्स, मेरे बस बुक जो है उसकी बाइंडिंग की हुई है, क्लियरली कुछ वर्ड्स जो हैं इसके अंदर से क्लियर नहीं हो रहे, लेकिन आप लोगों की बुक्स पर तो आपको क्लियर होंगे। द नाइट वॉज फिल्ड विथ क्राइज, कहता है कि रात जो थी उस मंडे की वो इस तरह से भरी हुई थी क्राइज चीखों से, ऑफ अर्जेंसी, शोर और गुल से, एंड स्क्रीम्स ऑफ फियर, और खौफनाक किस्म की चीखों पुकार से रात जो थी भरी हुई थी। देयर वर ओकेजनल थंडर्स, उस वक्त उस मौके पर शदीद किस्म का तूफान, थंडर्स तूफानी, रोड शोर मचा हुआ था, एज सम ऑफ द नियर बाय, जैसा कि हमारे करीबी हाउसेस, घरों में, केव जो घरों के अंदर थे, इन एंड कोलैप्स्ड, और वो गिर गए थे, एज इट मेड ऑफ पेपर, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि घर इस तरह गिर चुके थे कि जिस तरह वो कागज के बने हुए थे। व्हाट अबाउट माई ओन हाउस, कहता अब मैंने सोचा कि मेरे अपने घर का क्या बना होगा। वॉज द कॉन्स्टेंट थॉट इन माई माइंड, ये सोच मुसलसल मेरे जहन में आ रही थी। द डोर वॉज स्विंगिंग वाइडली ऑन इट्स हिंजेस व्हेन आई फाइनली रीच होम, कहता दरवाज़ा जो थे वो दरवाज़ा जो था वो हिल रहा था बहुत बुरे तरीके से, ऑन इट्स हिंजेस। हिंजेस मीन बेटे ये जो सिक्का, हमारा जो लकड़ी का तख्ता है दरवाजे का, उसको जो डोर का एंगल है उसके साथ जिन चीज़ों से जो वो जो कब्जे जिसको कहते हैं लगे हुए हैं उनको हम हिंजेस कहते हैं। कहते हैं इतना शदीद वो जलजला था कि वो जो जिनके साथ वो दरवाजे का तख्ता जोड़ा जाता है एंगल के साथ वो भी बुरे तरीके से, यानी कि वो डोर बच बच के हिल रहे थे, खुल गए थे। व्हेन आई फाइनली, जब आखिरकार मैं घर पहुंचा, एंड आई कुड हियर माय ब्रदर स्क्रीमिंग फॉर माय मदर, स्क्रीमिंग फॉर माय ब्रदर, कहते जब मैं घर पहुंचा तो मैं सुन रहा था कि मेरी माँ पुकार रही थी, चीखें चीख चीख कर,
माई ब्रदर्स मेरे भाइयों को एंड सिस्टर्स और मेरी बहनों को टू रन आउट ऑफ द हाउस के घर से बाहर आ जाओ। द कपबोर्ड्स डोर्स कहता कबर्ड के जो दरवाजे थे क्यूवर्ड वो भी कांप रहे थे एंड टम्बल्ड मी और कांप कांप कर ओपन खुल चुके थे एम्प्टाइन ऑल देयर कॉन्टेंट्स और उनमें जो चीज़ें पड़ी हुई थी वो सब नीचे गिर गई थी और वो खाली हो गए थे। माई सिस्टर यार मेरी सिस्टर जो है वो चिल्लाई इन पेन तकलीफ से एज अ पाइल जैसा कि एक ढेर ऑफ क्रॉकरी बर्तनों का स्मैश्ड गिरा जस्ट अबव हर हेड उसके सर के ऊपर। जैसे ही मेरी सिस्टर के सर के ऊपर जो है वो बर्तनों का एक ढेर गिरा तो वो तकलीफ के साथ चिल्लाने लगी। आई थॉट मैंने सोचा माई होल हाउस वुड ओवर कहता मुझे लगा कि जैसे मेरा सारा घर जो है वो तबाह हो चुका होगा। द वे एवरीथिंग स्वन कहता कि इसी तरह हर चीज जो थी वो झूल रही थी हिल रही थी रॉक एंड फेल और चट्टाने भी गिर गई थी बट अल्हम्दुलिल्लाह कहता जिस तरह मैं सोच के आया था और मैंने देखा कि मेरा घर तो बिल्कुल तबाह हो चुका होगा जिस तरह से चट्टानें गिर गई हैं या हिल रही हैं कहता लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है इट डिड नॉट सफर मच डैमेज कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। हाउएवर द अर्थक्वेक वॉज सो सीवियर कहता कि जलजला बहुत शदीद था दैट माई सिटी मेरे शहर में एंड अदर विलेजेस और दूसरे गाँव में नॉर्दर्न अफगानिस्तान शुमाली अफगानिस्तान के दूसरे गाँव में भी शदीद जलजला आया था। वाय प्रैक्टिकली फ्लैटेंड कहता जो शुमाली अफगानिस्तान है वो अमली तौर पर देखने में मैदान का नमूना पेश कर रहा था यानी एक मैदान बन गया था। इतना शदीद जलजला आया कि तमाम जो घर पे जो चीज़ें थी वो गिर चुकी थी तबाह हो गई थी। आई कुड ओनली थैंक अल्लाह सुबहाना तआला दैट माई फैमिली वॉज सेफ मैंने सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया क्योंकि मेरा ख़ानदान जो था वह महफूज था। द नाइट पास्ट कहता रात गुजरी रेस्टलेसली बेसकूनी से बेआरामी से एज ट्रेमोर शोक कहता कि झटके लग रहे थे थरथराहट महसूस हो रही थी शुक झटकों की अस अवेक वो हमें जगा देती एवरी फ्यू मिनट्स हर चंद मिनट के बाद कहता कि अगर हम सोने की भी कोशिश करते तो वो जो झटके महसूस हो रहे थे जल्दी के उनका खौफ अभी तक यानी उनके जहनों में था जो उन्हें सोने नहीं दे रहा था। वी वर टेरिफाइड कहता कि हम खौफजदा हो गए दैट द होल नाइटमेयर पूरी रात हमें ये खौफनाक ख्वाब वुड री ऑकर ऐसे लगा कि जैसे दोबारा कोई वाकया हो जाएगा यानी दोबारा जल्जला आ जाएगा। प्रेयर फॉर अल्लाह सुबहाना तआला फॉरगिवनेस हमने अल्लाह ताला से मगफरत की दुआएं मांग रहे थे ऑन आवर लिप्स हमारे होंठों पर थी थ्रू आउट द नाइट पूरी रात यानी कहता कि पूरी रात मगफरत की दुआएं अल्लाह ताला से हमारे होंठों पर रहीं और हम अल्लाह ताला से मगफरत की दुआएं मांगते रहे। द नेक्स्ट डे आई हेजिटेंटली लुक्ड कहता कि अगले दिन मैंने बामुश्किल हिचकिचाहट के साथ लुक्ड आउट देखा आउट बाहर ऑफ माई विंडो अपनी विंडो से बाहर देखने की कोशिश की केयरफुली एहतियात करते हुए अवॉइडिंग बचते हुए दशात तेज तरीन रैग्ड टूटे हुए रैग्ड होते हैं टूट फूटे एजिस किनारे टूटे फूटे किनारे द ब्रोकन ग्लास ब्रोकन टूटा हुआ ग्लास शीशा कहते कि अगले दिन जब सुबह हुई तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उस टूटे हुए खिड़की के शीशों से बचाते हुए बाहर देखा डिजास्टर्स में तबाही कहते इतनी तबाही एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ दिया हुआ है यानी कि एक्सक्लेमेशन शो हो रही है अफसोस कर रहा है। नियरली एवरी सिंगल हाउस कहता तकरीबन हर एक घर वाज अप टर्न गिर गया था ऑन हिट्स प्रूफ छत के बाद यानी उसकी छत जमीन बोस हो गई थी। इट वॉज आ
हार्ट रेंडिंग साइट, कहता ये दिल को पसीज देने वाला मंजर था, दिल को रुला देने वाला सीन था, अ कैटास्ट्रोफ, खुदारा तबाही। विद आवर लिमिटेड रिसोर्सेज, कहता हमारे तो जराए भी बहुत मखसूस से हैं, महदूद से हैं, देयर वॉज नो वे, कोई रास्ता नहीं है, वी और आवर, हम और हमारी गवर्नमेंट कुड कॉप पूरा कर सकेगी विद द क्लैमिटी, क्लैमिटी मीन के इस तूफानी मुसीबत को या आफत को किस तरह से इससे जो है वो इस नुकसान को पूरा कर सकेगी। इनडीड बिलाशुबा वी लेटर लर्न दैट आवर इंटीरियर मिनिस्टर, बिलाशुबा इसके बाद हमने सुना कि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वॉज फोर्स, उन्होंने बहुत ही फोर्स किया है, लोगों से भरपूर अपील की है, दरख्वास्त की है फॉर इंटरनेशनल हेल्प, बैन अलावामी मदद। लुक एट पेज नंबर 18, योर बुक पेज नंबर 18। आफ्टर द अर्थक्वेक, कहता कि जलजले के बाद अबेटेड, कम होने लग गई, जब जलजले की झटके कम हुए, एंड इलेक्ट्रिसिटी वॉज रिस्टोर्ड, और बिजली को बहाल कर दिया गया था, द ब्यूटीफुल साउंड, तो हमने खूबसूरत आवाज़ सुनी ऑफ अजान, अजान की एमनेटेड बुलंद होने की फ्रॉम द मॉस्क, मस्जिद से अजान के बुलंद होने की आवाज़ सुनी, द सूदिंग कॉल, ये जो धीमी किस्म की पुकार थी ऑफ द मौज़िन, मौज़िन की, वॉज ब्लेसिंग, रहमत बन रही थी, एंड फील्ड, और उसने भर दिया था अस, हमें, विद के साथ, रीन्यूड, एक नए फेथ ईमान के साथ, एंड होप, और उम्मीद के साथ। जैसे ही हमने आदान की आवाज़ मस्जिद से बुलंद होते हुए सुनी, तो इस धीमी मौज़िन की आवाज़ उनकी रहमत से हमारे दिल जो हैं वो एक ईमान और उम्मीद के साथ जो हैं वो भर चुके थे, और उम्मीद हो गए थे हम। इन द डिस्टेंस, कुछ फासले पर, आई कुड, जो कहते कि जो मस्जिद हमसे कुछ फासले पर वाके थे, आई कुड ऑल्सो हियर समवन, और मैंने सुना कुछ लोगों को रिसाइट, तिलावत करते हुए द होली कुरान, होली कुरान की, माई फादर, ब्रदर्स एंड ज्वाइन सम पीपल, मेरे अब्बाजान, मेरे भाई और उनके साथ कुछ लोग भी इन द मॉस्क, मस्जिद में गए, टू ऑफर नवाफिल, नवाफिल अदा करने के लिए, फॉर अल्लाह सुबहाना ताला मर्सी, अल्लाह ताला की रहमत मांगने के लिए, इन दिस आर ऑफ नीड, इस लम्हे जहां हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेटर कहते हैं इसके बाद फादर टर्न ऑन द रेडियो, कहता मेरे फादर ने रेडियो को ट्यून ऑन किया, टू हेयर, सुनने के लिए द न्यूज़, खबरें, अपडेट, कहता ताज़ा तरीन, वर बीइंग रिपोर्टेड, जो खबरें दी जा रही थी, आफ्टर एवरी हाफ एन आवर, हर आधे घंटे बाद ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो थी वो रेडियो पर दी जा रही थी इस जलजले के मुतालिक। वी हेयर्ड, हमने सुना, दैट 2000 पीपल हैड बीन किल्ड, कि हमने सुना कि 2000 के करीब लोग जो हैं वो मर चुके हैं, एंड मोर देन 3000 इंजर्ड, और 3000 से ज़्यादा जो हैं जख्मी हो गए। द क्रैक हैड मेजर्ड बिटवीन 5 to 6 ऑन द रिएक्टर स्केल, कहते कि जो अर्थक्वेक था उसकी जो मेजरमेंट थी वो 5 to 6 थी ऑन रिएक्टर स्केल पर, विच मीन्स, जिसका मतलब था कि इट वॉज एक्सट्रीमली डिजास्टर्स, ये शदीद तबाहकुन जलजला था। 15,000 होम्स, 15,000 के करीब घर हैड क्रम्बल, वो टूट गए थे, गिर गए थे। 90% ऑफ द रेजिडेंशियल हाउसेस, 90% नॉन फीसद जो घर थे, रहायशी घर थे, डिस्ट्रॉयड इन नहरान, नहरान में, नहरान इज अ सिटी, क्या था नहरान में, 99% जो सॉरी 90% जो रहायशी घर थे वो तबाह हो चुके थे। द एपी सेंटर वॉज इन द हिंदू कश माउंटेन, कहते कि जो जलजले का मरकज ज़्यादातर रहा है वो हिंदू कश की पहाड़ियाँ रही हैं, एंड पीपल वर डिस्प्लेस्ड,
30,000 पीपल वर डिसप्लेस्ड, कहते कि जो 30,000 के करीब लोग थे वो भी वहाँ से मुंतकिल हो गए. हाउ विल दे लिव, कि वो वहाँ अब कैसे रहेंगे. द थॉट ऑफ इवन स्पेंडिंग डे आउट इन द समर, ही कहते कि इस सोच के साथ वो गुजार रहे थे दिन इन समर हीट, इस गर्म तरीन गर्मी में, इन द ओपन अनबियरेबल, उस खुले मैदान में, नाकाबले बर्दाश्त गर्मी में. डोनट, मदद करने वाले एड एजेंसीज और मदद फ्राहम करने वाली एजेंसीज केम टू आवर रेस्क्यू बाय प्रोवाइडिंग अस, और इसके साथ साथ रेस्क्यू करने के लिए भी लोग जो हमें मुहैया कर रहे थे, विद सम बेसिक नेसेसरीज, हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसकी कुछ चीज़ें, लाइक ब्लैंकेट, फूड एंड वाटर, विच दे हैड कलेक्टेड, जो उन्होंने जमा करके बुलाए थे. लास्ट पैराग्राफ है, हाउ एवर आवर एफर्ट्स एंड दोज ऑफ द एड वर्कर, तहम जहाँ तक हमारी कोशिशें थी और वो जो मदद फ्राहम करने वाले वर्कर थे और रेस्क्यू के द पीपल लोग थे, स्टिल बरेड, वो अभी तक निकाल रहे थे उन दफन हुए लोगों को, इन द रबल वर हैम्पर्ड, वो जो मलबे के नीचे दबे हुए थे, वर हैम्पर्ड, और वो उसमें फंसे हुए थे, बाय आफ्टर शॉक, इन झटकों के बाद, यानी कि जल्जले के झटकों के बाद जो इन चीज़ों के नीचे दबे हुए थे, उनको रेस्क्यू और मदद करने वाली टीमें जो थी उनके लिए काम कर रही. वी वर टेरिफाइड, और हम खौफ ज़दा हो चुके थे, टू वेंचर, के हमें किस्मत ने आजमाया, नियर एनी रॉन बिल्डिंग, के हमारे करीब करीब बहुत सारी जो बिल्डिंग थी वो तबाह हो चुकी थी. फॉर फियर ऑफ, और खौफ से, अ सडन ट्रेमोर टेकिंग अस बाय सरप्राइज, कहता अचानक जो झटके या थरथराहट महसूस होती थी उससे भी हम बहुत ज़्यादा हैरान कन होते थे. दिस अनसर्टेनिटी, ये गैर यकीनी सूरत हाल में रेस्क्यू वर्क, इसने यानी कि अभी तक वो चीज़ों के ऊपर नीचे होने से जो झटके महसूस हो रहे थे उसने रेस्क्यू के काम को भी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, बहुत शदीद मुश्किल बना दिया था, बहुत हॉरिफाइंग, और वो खौफ ज़दा कर रहे थे एंड फ्रस्ट्रेटिंग, और मायूस कर रहे थे टू स्टैंड अराउंड, जो हमारे आसपास खड़े थे उन नॉइंग पीपल, लोग जान रहे थे, वर्ड वर्डिट अमिड डिस्क, वो लोग जो दबे हुए थे दरमियान में, द डेब्रिस, डेब्रिस में बल्बे के, वुड कॉन्टिन्यू टू रिमेन सो इन द कमिंग डेज, ऐसे लग रहा था कि ये जो काम है उन्हें निकालने का वो अगले कई दिन तक जारी रहेगा. ओके, सिक्स क्लास, दिस इज द ट्रांसलेशन एंड ऑल्सो रीडिंग ऑफ योर यूनिट नंबर 2, एंड दिस इज योर लेक्चर ऑफ द डे. सो प्लीज यू पीपल लर्न दिस चैप्टर इम्पोर्टेंट MCQs, आपने इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट MCQs बनानी हैं और वो लर्न करने हैं, और इसी तरह जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके करेक्ट स्पेलिंग्स जो हैं वो भी आप लोगों ने लर्न करने हैं. दिस इज़ योर लेक्चर ऑफ द डे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.